ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और अभी से पुलिस महकमे में अन्य लोगों में अनुमान लगाया जा रहा है संजय बर्वे के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर अगला कौन होगा, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं यानी 31 अगस्त को संजय बर्वे, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। संजय बर्वे को अगर सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो राज्य खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक परमवीर सिंह मुंबई कमिश्नर बनने की कतार में हैं। अब मुख्यमंत्री को फैसला करना है रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह में से किसको चुनेंगे, किसके हाथ में होगा मुंबई पुलिस कमिश्नर का कमान या फिर कोई अन्य आईपीएस को जगा देंगे। लेकिन लोगों का अनुमान है मुंबई कमिश्नर बनेंगे परमवीर सिंह, और अगर रश्मि शुक्ला को मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। खुफिया आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले वो पुणे पुलिस आयुक्त थी। अब संजय बर्वे के सेवा विस्तार के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फैसला करना होगा। हम आपको बता दें 2008 में तत्कालीन डीजीपी पीएस पसरीचा और मुंबई के पुलिस आयुक्त डीएन जाधव को 3 महीने का विस्तार दिया गया था। डीजीपी सुबोध जायसवाल 1985 बैच के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। 1986 बैच के संजय पांडे, संजय बर्वे, विपिन बिहारी, एस एन पांडे और हेमंत नागराले और 1988 बैच के परमवीर सिंह, रश्मि शुक्ला, रजनीश सेठ हैं। संजय बर्वे की मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने से पहले परमवीर सिंह सबसे आगे थे, लेकिन सीएम ने संजय बर्वे को चुना और उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर का कमान संभालने की जिम्मेदारी दी और 31 अगस्त को बर्वे रिटायर हो रहे हैं। अगला कमिश्नर कौन होगा ये समय आने पर ही पता चलेगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।